नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके हाथ रोशनी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। घर में घुसकर 16 युवकों ने नाबालिग लड़की को किया किडनैप। उत्तर प्रदेश के आगरा में बेखौफ दबंग युवक नाबालिग लड़की के घर में दीवार फांदकर घुस गए। इसके बाद फिल्मी अंदाज में चिल्लाते हुए लड़की को सरेआम अगवा कर ले गए। आरोप है कि युवकों ने लड़की के परिजनों के साथ भी मारपीट की है और उन्हें धमकी भी दी है। इस दौरान लड़की के घर के बाहर तमाम लोग इकट्ठे हो गए, मगर किसी ने भी लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और कुछ लोग तो वीडियो भी बना रहे थे। यह घटना आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों में 4 भाई है, जबकि अन्य उसके दोस्त है। लड़की के पिता ने इस मामले की शिकायत पुलिस में भी की है। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। लड़की के परिजनों का कहना है कि उनके घर में रिश्तेदार आए हुए थे, इसी दौरान करीब दर्जन भर से ज्यादा युवक दीवार फांद कर घर में घुस गए। उन्होंने मारपीट की और 17 वर्षीय बेटी को जबरन घर से उठा कर ले गए। पुलिस ने नाबालिग लड़की को पिता की शिकायत पर 10 नामजन और 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारणा 147, 452, 383, 354, 504, 506 के तहत केस दर्ज किया है। हनुमान जी की मूर्ति लगाने पर विवाद, प्रधान समेत 7 लोग गिरफ्तार। यूपी में बलिया के ग्राम समाज की जमीन पर हनुमान जी की प्रतिमा रखने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत करीब 3 दर्जन से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मामला गढ़वार थाना क्षेत्र के बहादुरपुर कारी गांव का है। यहां 30 अक्टूबर की रात ग्राम समाज की जमीन पर ग्राम प्रधान और उसके समर्थकों ने हनुमान की प्रतिमा स्थापित करने थे, मगर इसके लिए प्रशासन की अनुमति नहीं ली थी। इसके बाद गांव के ही लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, खासकर उन लोगों ने जिनका इस जमीन पर पट्टा मिला था। पुलिस ने साथ हुई हड़कंप, विरोध के बाद बवाल शुरू हो गया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने मामला शांत कराने की बहुत कोशिश की, मगर ग्राम प्रधान जुगल किशोर यादव और उसके समर्थक पुलिस के साथ ही झड़प हो गई। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद स्थिति पर काबू पाया। यूपी के जिला अस्पताल में तांत्रिक कर रहे हैं मरीजों का इलाज। यूपी में महोबा जिला अस्पताल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज तांत्रिक कर रहे हैं। इसके डॉक्टर पर सवाल उठ रहा है और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। वही पूरे मामले पर जिम्मेदारी चुप्पी साधते हुए गौरतलब है कि जिले में कुलपहाड़ अंतर्गत दरियार सिंह के खुड़ा निवासी गुलाब सिंह की 22 साल की बेटी संध्या यादव को रविवार को बिच्छू ने डस लिया था। इसके बाद परिजन इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में ले आए। यहाँ चितियर्स गांव का रामदास भी भर्ती था, उसे भी बिच्छू ने डस मार दिया था। डॉक्टर के इलाज से फायदा न मिलने पर परिजनों ने तांत्रिकों को अस्पताल में बुला लिया था। उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ही संध्या और रामदास का झाड़ फूंक कर इलाज शुरू कर दिया था। इस दौरान अस्पताल में 1-2 नहीं बल्कि 3 तांत्रिक थे। हैरान की बात यह है कि खुले आम जिला अस्पताल में झाड़ फूक हो रही थी और जिम्मेदारी से उसकी भगत नहीं की थी। झाड़ फूक कर इलाज करने आए गोरखा गांव निवासी लखनलाल ने बताया कि उनके पास रोजाना मरीज आते हैं। उसके जिला अस्पताल में महिला मरीज का इलाज किया है। दावा है कि वो भी फीसदी ठीक हो जाएगी। उससे तांत्रिक संतोष कुमार पुजारी का दावा है कि उसे भी झाड़ फूक में 2 मरीजों का इलाज किया, उसे आराम भी मिला है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर।
फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।